साथियों आज के इस वाले वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा कि आप इस वाले वीडियो को भले ही लाइक ना करो, भले ही चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ना करो, पर गाइस एक काम जरूर कीजिएगा कि अपने दोस्तों के ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। क्या है कि तुम्हारे भाई का जो चैनल है वो वापस रीच कर चुका है। अभी अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो के व्यूज देखोगे तो बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है, जो दोस्तों मैं नहीं चाहता हूं मेरा चैनल डेड हो। तो गाइस प्लीज आपसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वाले वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि तुम्हारे भाई के जो चैनल का रीच हो थोड़ा सा बढ़ सके। साथियों फिलहाल अभी आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे जिस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पे एक साइड में देखो तो आपको मेरा नॉर्मल वीडियो दिखेगा, दूसरे में आपको मेरे स्काई में आपको यहाँ पे सनसेट इफेक्ट दिखेगा, साथ ही में आपको जो बर्ड है बर्ड आपको फ्लाई होता हुआ दिख रहा होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फिलहाल अभी आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे जिस वीडियो को देख रहे हैं भाई का जो ये वाला वीडियो इंस्टाग्राम पर काफी तेजी से वायरल हुआ है, तो आप भी अगर इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हो तो इस वाले वीडियो को विदाउट स्किप किया देखिएगा। मैं दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से इस तरह का वीडियो आज आपको बनाना सिखाने वाला हूं। तो गाइस चलिए मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन को लेकर चलता हूं, देन आपको वहां पर दिखाता हूं किस प्रकार से गाइस आपको यहां पर वीडियो को एडिट करना है। तो वैसे तो गाइस मैंने अपने चैनल पर जितने सारे एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया है उन सारे वीडियो को मैंने काइनमास्टर पर एडिट किया है, वीएन पर किया है और कैपकट पर ऐप पर किया है। बाकी और भी दो तीन ऐप एडिटिंग वाले उन पर भी मैंने किया है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है फिलहाल, ठीक है। पर स्काई चेंजिंग वाले जितने सारे वीडियो उनको मैंने मुझे जहाँ तक लगता है परफेक्ट जो स्काई चेंजिंग वाला वीडियो होता है उसको मैंने यहाँ पे कैपकट पर ही एडिट किया है। तो आज की इस वाले वीडियो को भी मैं कैपकट ऐप पर ही एडिट करने वाला हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो मैंने यहाँ पर कैपकट ऐप को ओपन कर लिया है। अगर दोस्तों कैपकट ऐप को आपको डाउनलोड करना है तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना होगा, जहाँ पर कैपकट का जो 5.0 का मैंने लिंक देके रखा है आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। देख सकते हैं गाइस यहाँ पर जो मेरा रिकॉर्डिंग का रॉ फाइल है उसको मैंने कैपकट के अंदर सेलेक्ट कर लिया है। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने वीडियो का जो वॉल्यूम है आप यहाँ पर 0 कर दीजिएगा ताकि दोस्तों इस वाले वीडियो में बाहर का कुछ भी ऑडियो ना रहे। अभी आपको अपने वीडियो के लास्ट में जाना होगा, देन ये जो ब्लैक वाला बैकग्राउंड है इसको आप यहाँ पर डिलीट करके हटाइएगा। हटाने के बाद साथियों अभी आपको अपने वीडियो जो है इसको स्लो मोशन में करना है, उसके लिए आप यहाँ पे वीडियो पर क्लिक कीजिएगा, स्पीड वाले ऑप्शन में जाके आप यहाँ पर नॉर्मल को सेट करके कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर 0.5x आप यहाँ पर कर दीजिएगा, देन आप यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अभी साथियों आप यहाँ पर नीचे में देखोगे तो आपको यहाँ पर एक ओवरले का ऑप्शन दिखेगा, देख सकते हैं गाइस ये रहा ओवरले का ऑप्शन, आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एड ओवरले के ऑप्शन पर क्लिक करके अभी आपको इस वाले वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पे देख पा रही है बर्ड फ्लाई वाला जो वीडियो, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो जो बर्ड फ्लाई वाला वीडियो उसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अभी दोस्तों आपको इस वाले वीडियो पे क्लिक करना होगा, देन अपने दोनों हाथों के फिंगर की हेल्प से कुछ इस तरह से जो स्काई वाला वीडियो है इसको बड़ा कीजिएगा, देन इस तरह से आपको यहाँ पर एडजस्ट कर देनी होगी। अभी आप यहाँ पे नीचे में देखोगे तो आपको यहाँ पर एक मार्क्स का ऑप्शन दिखेगा, आपको साथ ही यहाँ पे मार्क्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्पीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो लाइन है जहाँ तक आपको दिख रहा है सर इतना आप इसको लाइएगा, तो इसको आप यहाँ पर कुछ इस टाइप से खींच दीजिएगा, इससे गाइस यहाँ पर देख पा रहे कितना बढ़िया से शैडो टाइप का हो चुका है। अभी आपको यहाँ पर ओके पे प्रेस कर लेना होगा। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो गाइस आपको इस वाले वीडियो का जो वॉल्यूम है आपको सुनाई देगा, सो आपको इस वाले वीडियो का भी वॉल्यूम को आप यहाँ पे 0 कर दीजिएगा। करने के बाद दोस्तों अभी आपको जो रिकॉर्डिंग का रॉ फाइल है इस पर आपको क्लिक करना है, देन आप जैसे आप क्लिक करोगे नीचे में आपके सामने यहाँ पर एक कॉपी का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं ये रहा ओवरले का ऑप्शन, आपको इसको सिलेक्ट कर देना होगा। बाय द वे गाइस बाहर में जो मुर्गा चिल्ला रहा है इसको इग्नोर मान लिया, ठीक है, उसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं यार जब भी वीडियो बनाता हूँ वो आके यहाँ पे चिल्लाता रहता है, तो इसको आप यहाँ पकड़िएगा और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे आगे से इसको ऐड कर देनी होगी। देख सकते हैं गाइस वापस से वीडियो मेरा जैसा था स्टार्टिंग में उसी तरह का हो गया है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। अभी आपको इस वाले वीडियो अभी तो सामने आके चिल्ला रहा है, ठीक है, अभी आपको इस वाले वीडियो का जो बैकग्राउंड है आपको रिमूव करना होगा। उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे नीचे में देखोगे तो आपको यहाँ पर एक रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे देख सकते हैं यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड का परसेंटेज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अभी साथियों आपको यहाँ पे 100% होने तक का वेट करना है। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरा वीडियो का बैकग्राउंड यहाँ पे सक्सेसफुल रिमूव हो चुका है। अब आप बोलोगे जिस तरह का था भाई वैसा ही है, तो रुको यार जैसे मैं इसको आगे तरफ ला के प्ले करूंगा देख सकते हैं गाइस यहाँ पर मेरा जो वीडियो का बैकग्राउंड है यहाँ पे सक्सेसफुल रिमूव हो चुका है। तो गाइस देख सकते हैं कितना बढ़िया से मेरा जो है यहाँ पे स्काई जो है रिप्लेस हो गया है। तो गाइस अभी आपको बस करना इतना ही है, इंस्टाग्राम पे जो भी ट्रेंडिंग सॉन्ग अभी चल रहा है उस वाले सॉन्ग के साथ आप इस वाले वीडियो को अपलोड कीजिएगा। देन वीडियो का जो ड्यूरेशन है गाइस जितना आपका स्काई सॉरी ये बटरफ्लाई वाला वीडियो का ड्यूरेशन रहेगा आपको जितने सारे वीडियो है सबको उतना करके आप यहाँ पे स्पीड करके हटा दीजिएगा, कुछ स्टेप से डिलीट करके आपको हटा देना है। लीजिए साथियों अभी आपको अपना वीडियो को सेव करने के लिए आप यहाँ पे 1080p वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और आपको यहाँ पे 60fps में अपना वीडियो के यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेनी होगी।
तो यार उम्मीद कर रहा हूँ इस वीडियो का जो टिटल है कम्प्लीटली समझ में आ चुका है। फिर भी दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ भी सवाल या फिर सुझाव हो तो भेजिएगा, आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो का लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। बाय बाय, टाटा, नमस्कार।